चिमनी से लगातार निकलता ये धुआं है बिहार के गया में मेडिकल कॉलेज के पैरा मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का। यहाँ औरंगाबाद, नवादा, अरवल और भागलपुर जिले के सभी मेडिकल कॉलेजों का मेडिकल कचरा लाकर इंसिनरेटर में नष्ट किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके नजदीक रिहायशी इलाका है जहां लोग इससे होने वाले प्रदूषित धुएं से परेशान हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो गार्बेज मटेरियल से उसको डिस्पोजल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी सर्जरी है का पार्ट में जो ऑर्गन वगैरह होगा, डेड वगैरह जो डेड ऑर्गन्स होगा उसको यहाँ पर डिस्पोजल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की अनुमति से इस प्लांट को यहां लगाया गया था। उस वक्त प्लांट के इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, लेकिन बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए यहां 1300 लोगों की आबादी वाली बस्ती बस गई है। इंसिनरेटर से जहरीली गैस डायोक्सिन और हैवी मेटल जैसी मरकरी धुएं के रूप में रिसती है जो काफी घातक है। मेरे यहाँ तो अक्सर सबको उल्टी उल्टी हो रहा है, माथा में दर्द हो जाता है, चक्कर आता है सबको। इसका जो धुआं उठता है गंदा, ये बहुत बदबू होता है, जैसे लगता है कुछ मरा हुआ महक रहा है। सारे लोग खिड़की दरवाजा बंद करके रहने पर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आए दिन लोगों को इससे वोमिटिंग, कह दस्त वगैरह हो रहा है। लगता है कि इसका पानी में भी कुछ प्रदूषित होने जा रहा है। हालांकि प्लांट इंचार्ज ऐसी किसी भी दिक्कत से इनकार करते नजर आए। चिमनी से 100 फीट की चिमनी से धुआं निकलता है, उससे भी ह्यूमन इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई इस तरह का। ये सब जो है पब्लिक की भलाई के लिए किया जा रहा है, जिसकी परमिशन हमको बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दी गई है। हालांकि इस सब के पीछे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर इंसिनरेटर के पास रिहायशी इलाका बसा ही क्यों? ये पूर्णतः जांच का विषय है। हो सकता है कि लोग पहले आए या इंसिनरेटर पहले आया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि नियमों को ताक पे रखकर रिहायशी इलाकों में इस प्रकार के औद्योगिक संयंत्र या कचरा प्रबंधन के संयंत्र लाए जा रहे हैं। इस सरकारी इंसिनरेटर की ऊंचाई भी कम है जो कि नियमों के मुताबिक नहीं है, साथ ही भूजल स्तर भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले में मुस्तैदी दिखानी होगी। बिहार की गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।